नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु की तिरुपुर में MDMK ने 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया। तारापुरम आर.एन. रवि को तमिलनाडु के राज्यपाल पद से हटाने के लिए माध्यमिक की ओर से आज मुरलूर में याचिका अभियान शुरू किया गया है। मध्यमुख की ओर से तिरुपुर जिले के तारापुरम के पास मुरलूर बरो और पंचायत यूनियन में महामहिम राज्यपाल आर.एन. रवि को बर्खास्त करने की मांग को लेकर 1 करोड़ हस्ताक्षर वाला आंदोलन किया गया। हर तरह से जनविरोधी कदम उठाने वाले और तमिलनाडु सरकार और विधायी गतिविधियों में बाधा डालने वाले महामहिम राज्यपाल आर.एन. रवि को हटाने की मांग को लेकर MDMK की ओर से पूरे तमिलनाडु में याचिका अभियान चलाया जा रहा है। उसी के भाग के रूप में माध्यमिक की 29वीं सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल को बर्खास्त करने के अनुरोध वाले राष्ट्रपति को पत्र पर हस्ताक्षर करना। मध्यमुख तिरुपुर दक्षिण जिला मुरलूर संघ की बैठक आज तारापुरम करूर मेन रोड के अन्ना नगर इलाके में हुई। घर घर जाओ, इस पर 500 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसकी अध्यक्षता यूनियन हाउस के अध्यक्ष पतुतुरा मारेस्वामी ने की। मुलानूर माध्यमिक संघ के सचिव ईश्वरन ने स्वागत भाषण दिया। तमिलनाडु के जिला सचिव और पोलाची के पूर्व सांसद कृष्ण ने मोर्चा संभाला। DMK संघ सचिव तमिलनाडु ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। DMK बरूर सचिव मक्कल दंडपाणी, मध्यमुख उत्तर जिला सचिव मणि, मध्यमुख जिला उप सचिव रत्नासामी, मध्यमुख गुंडम केंद्रीय सचिव सेंथिल नाथन ने भाग लिया और अंत में मुलानूर मध्यमुख बरूर सचिव कार्तिकेयन ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट। பள்ளி மாணவருடைய தேர்வு சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறார்கள் எதையுமே உடனடியாக செலுத்தாமல் பள்ளி மசோதாக்களை இடத்திலே கொடுத்துள்ளார். தமிழர்களின் RSS சங் பரிவார அமைப்பின் அவர்களை மத்தியிலே இருக்கிற ஒன்றிய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று ஒன்றிய குடியரசுத் தலைவரை வலியுறுத்தி திராவிடர்களின் சார்பில் நல்ல திட்டங்களையும் அனுமதி எதிர்மறையாக செயல்படுகிறார்.